गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने की जगह सकारात्मक सुझाव देने के लिए कहा। बोले, केंद्रीय कानून को मानने के लिए सभी राज्य हैं बाध्य। संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में आए देश के 1100 बुद्धिजीवी बयान जारी कर इस कानून को बताया देश के व्यापक हित में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कहा, नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर किसी के बहकावे में न आए। दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार के लिए केंद्र सरकार का 100 हुनर हाट आयोजित करने का फैसला। देश के विभिन्न भागों में किए जाएंगे 5 वर्षों में ये आयोजन। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच रोकी गई इंटरनेट सेवाएं सरकार ने मेघालय में फिर की बहाल। मुख्यमंत्री के संगमा व गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने लिया फैसला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 23 दिसंबर को नई दिल्ली में देंगे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। गुजराती फिल्म हिलेरी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जबकि आयुष्मान खुराना व विक्की कौशल को उनकी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। रूस और चीन ने सीरिया वासियों के लिए मानवीय सहायता 1 वर्ष बढ़ाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का किया विरोध। भारत चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े अहम विषयों पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में हुई बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने किया शिष्टमंडलों का प्रतिनिधित्व। आगामी फरवरी माह में कश्मीर में बड़े पैमाने पर होगा गुलमर्ग माउंटेन फेस्टिवल का आयोजन। लोगों को कश्मीर की बदली परिस्थिति से करवाएगा रूबरू। अब खबरें खेल जगत से। वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बॉक्सर अमित पंघाल ने कहा, टोक्यो में भारत के पुरुष और महिला बॉक्सर पदक जीतकर करेंगे वर्चस्व साबित। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला कल कटक में। फिलहाल दोनों देशों ने की है 1-1 मैच में जीत दर्ज।